नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। देव गुरु बृहस्पति 13 सितंबर 2020 को मार्गी हो जाएंगे और धनु राशि में ही मार्गी हो रहे हैं, स्वयं की राशि में मार्गी हो रहे हैं, तो बहुत अच्छे शुभ फल देंगे कुछ राशियों को। धन कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, शुभ ग्रह देवताओं के गुरु बृहस्पति 23 तारीख को केतु से भी मुक्ति पालेंगे और केतु अलग होकर धनु राशि को छोड़कर वो चले जाएंगे वृश्चिक राशि में। तो देव गुरु बृहस्पति का क्या शुभ परिणाम होगा आपकी राशि के ऊपर, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देव गुरु बृहस्पति जो है धन के कारक ग्रह हैं, योग कारक ग्रह हैं। तो देव गुरु बृहस्पति आपके जीवन पर यानी आपकी राशि पर क्या शुभ परिणाम देंगे, आइए जानते हैं कौन कौन सी वो राशियां हैं जिनके जीवन में देव गुरु बृहस्पति सुंदर शानदार योग कारक ग्रह बनकर उभरेंगे और उनकी अनेक समस्याओं का अंत कर देंगे। तो आइए जानते हैं देव गुरु बृहस्पति किन राशियों पर अपनी कृपा विशेष रूप से बरसाने वाले हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। देव गुरु बृहस्पति जब 23 तारीख को केतु से मुक्ति पा लेंगे उसके बाद उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, एक अशुभ ग्रह का दबाव नहीं होगा और शुभ फलों की प्राप्ति होने वाली है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और उससे पहले मैं कहूंगा आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले निशान के बटन को भी दबा दें। कुंभ राशि, आपकी राशि के लिए गुरु का एकादश भाव में गोचर करना आपकी बिगड़ी आर्थिक स्थिति में सुधार लेकर आएगा। लाभ की दृष्टि से गुरु का गोचर और यानी कि गुरु का मार्गी होना आपके लिए अनेक विशेष लाभकारी फल लेकर आ रहा है। आमदनी के नए साधन बनेंगे, आप एक से अधिक रास्तों पर चलकर धन कमाने वाले महिला पुरुष होंगे। आपके व्यापार में तेजी आएगी। आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो करें, पुराना व्यापार बंद करके उसी व्यापार को नए तरीके से शुरू करने में आपको लाभ मिलने वाला है। कोर्ट कचहरी के विवादित मामलों में आपको राहत मिलेगी। 23 तारीख के बाद राहु केतु का जब परिवर्तन होगा तो राहु भी चले जाएंगे देव गुरु बृहस्पति को छोड़कर, तो फिर समझ लीजिए 100 राशि के मार्गी गुरु आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां ला देंगे, आपको अनेक सुख देंगे। आपकी पुरानी नौकरी में सुख होगा, आपकी पुरानी नौकरी में पदोन्नति होगी, आपकी पुरानी गई नौकरी आपको दोबारा से मिल सकती है, आपकी नौकरी में मान सम्मान मिल सकता है, नौकरी में जो प्रयास आप कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी, पदोन्नति होने की पूर्ण संभावनाएं बनेंगी, वैवाहिक जीवन सुखी होगा, संतान की प्राप्ति होगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, परिवार के छोटे बड़ों से आपके रिश्ते बढ़िया बनेंगे। आपको अपनी माँ की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना होगा। यात्रा अगर छोटी होती है तो लाभदायक होगी, अगर आप गुरु ग्रह के कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपको और अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी सोच जो है वो बड़ी पॉजिटिव होगी और आप अपनी सोच से 10 गुना या 100 गुना ज़्यादा लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। और जिसको गुरु की दशा महादशा अंतर दशा चल रही है उसके जीवन में 4 चांद लग सकते हैं। आप अपने पराक्रम से अपने जीवन में खुशियां स्वयं खींच कर लेकर आएंगे। सब कुछ करने में जो मेहनत लगेगी वो मेहनत भी आप करेंगे। आप अपने सपनों को हकीकत में पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। शनि की 7.5 का जो समय चल रहा है उसके बावजूद भी आपको देव गुरु बृहस्पति अनेक अनेक शुभ फल प्राप्त देते हुए धनवान, संतानवान, सुखवान जरूर बनाएंगे। आपको इस समय में 2 में से 1 चीज जरूर मिलेगी कुंभ राशि वालों को, या तो आपको खूब पैसा मिलेगा, खूब पैसा मिलेगा, या फिर आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। या तो धनवान बनेंगे या तो संतानवान बनेंगे। कई बार आपके पास धन नहीं होगा कुछ लोगों के पास, लेकिन आपकी संतान इतनी योग्य होगी कि आपको पैसा ना होने का कोई गम नहीं होगा। आप कहेंगे मेरी संतान लायक निकल गई, ये सफल हो गई, मेरे लिए यही धन है। और कुछ लोगों के साथ उल्टा होगा, कुछ लोगों के पास इतना पैसा होगा, इतना पैसा होगा, लेकिन संतान आज्ञाकारी नहीं होगी, नालायक होगी, तो वो कहेंगे पैसा तो है लेकिन उड़ाने वाले भी दे दिए भगवान ने, इनकी बुद्धि पलटो, इनकी बुद्धि सही करो। ऐसा भी हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। किसी के पास धन होगा तो संतान का सुख नहीं होगा, किसी के पास संतान का सुख होगा तो धन का सुख नहीं होगा। अब आपके लिए क्या बेहतर है, आपको क्या अच्छा लगता है, इसके लिए आप खुद ही सोचिए। तो ये रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए देव गुरु बृहस्पति का मार्गी होने के बाद रिजल्ट। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपको समझनी चाहिए।
वो बात ये है कि अगर देव गुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में बढ़िया स्थिति में बैठे हैं तो आपको अनेकों अनेक शुभ फलों की प्राप्ति होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कहीं से देव गुरु बृहस्पति पीड़ित हैं, शुभ ग्रह में ग्रहों के साथ नहीं बैठे हैं, शुभ ग्रहों से दृष्टि संबंध नहीं है, बुरे ग्रहों के प्रभाव में है, तो आपको कुछ उपाय करने होंगे जिससे आप गुरु के अशुभ प्रभावों को समाप्त करके उसके शुभ प्रभावों को और बढ़ा लें और आपको अच्छा लाभ मिले। तो अब हम कुछ उपाय भी जान लेते हैं। गुरु के मंत्रों का जाप करिए, ओम गुरुवे नमः या ओम बृहस्पते नमः मंत्र का जाप करें। शिव जी को बेसन का लड्डू का भोग लगाएं, गुरुवार का व्रत करें, पीले वस्त्र धारण करें, नमक न खाएं, पीली और मीठी वस्तुओं का सेवन करें। गुरुवार के दिन शाम को केले के वृक्ष की पूजा करें या दीपक जलाएं, धूप दीप से केले के वृक्ष की आराधना करें। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला भोग लगाएं, बहुत ही आनंद आएगा। योग्य ब्राह्मण को, जरूरतमंद को पीले वस्त्र दान दें, पीली चीजों का भोजन कराएं। गुरुवार को पूजा के बाद पीला चंदन या हल्दी का टीका माथे पर लगाएं या प्रतिदिन लगाएं। भगवान शिव को चंदन का लेप लगाएं या पीले पुष्प चढ़ाकर जलाभिषेक करें। अपने माता पिता का, बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, भगवान विष्णु की आराधना करें, बहुत आनंद आएगा। सत्यनारायण की कथा भी करा सकते हैं। तो अगर आप ये करते हैं तो आपकी जन्म कुंडली में अगर गुरु बिगड़े हुए हैं तो वो सवर जाएंगे और अच्छे फल प्राप्त देंगे और आपको देव गुरु बृहस्पति के मार्गी होने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो आप लोग घबराएं नहीं, आप लोग चिंता नहीं करें, आपको अनेक शुभ फल प्राप्त होंगे। और अगर फिर भी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, हम आपको बताएंगे कि कैसे देव गुरु बृहस्पति को सटीक रूप से, यानी आपकी कुंडली के हिसाब से कैसे आप खुश कर सकते हैं और आपकी कुंडली में क्या राज छुपे हैं, कब आपको तरक्की मिलेगी, कब नौकरी होगी, कब शादी मिलेगी, ये सारी संपूर्ण जानकारियां आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी अच्छा हो तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हरिओम, नमस्कार।